अजमेर में रविवार देर रात रोडवेज बस स्टैंड के सामने फायरिंग की वारदात सामने आई। फायरिंग में एक युवक बाल बाल बच गया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर एडिशनल एसपी विकास सांगवान, पुलिस उपाधीक्षक छवि शर्मा, सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद चारण सहित पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। पीड़ित की ओर से मामले में दो लोगों के खिलाफ फायरिंग कर जानलेवा हमला करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक आदर्श नगर रामकृष्ण आश्रम निवासी पीड़ित यशोवर्धन पुत्र प्रदीप शैली ने बताया कि पुष्कर नरसिंहपुरा फायसागर रोड पर ससुराल है। शनिवार को उसके साले रितेश पाटनी, सास सुधा जैन और उनके पड़ोसी योगेश यादव और सुशील यादव से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद परस्पर मारपीट भी हुई। इसे लेकर गंज थाने में परस्पर मुकदमे भी दर्ज हुए। बाद में पड़ोसी बिट्टू यादव और सोनू यादव ने बस स्टैंड पर समझौता करने के लिए बुलाया। समझौते के लिए पहुंचे पीड़ित यशोवर्धन पर दो फायरिंग की गई। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ित यशोवर्धन ने मामले में सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार पीड़ित यशोवर्धन रविवार को जयपुर रोड पर बने आर्य होटल पर अमित शर्मा, ऋषि श्रीवास्तव, कमल खंडेलवाल, हर्ष खंडेलवाल, यश शर्मा और अंकित चौहान के साथ बैठा था। इस दौरान बिट्टू और सोनू यादव कार में पहुंचे। दोनों ने आते ही देसी कट्टा तान दिया और दो राउंड फायर कर दिए। वे संभलते उसके पहले हमलावर कार में बैठकर फरार हो गए। बस स्टैंड के सामने हुई फायरिंग की घटना के बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे आला अधिकारियों की ओर से घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। इसके साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने अभय कमांड सेंटर के साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी चेक किए। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। पुलिस को तलाशी के दौरान गोली का एक खोल मिला। इसके साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से दो कार जब्त की। पुलिस ने कारों से बेसबॉल के डंडे भी बरामद किए। सिविल लाइन थाना पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। यशवर्धन शैली पुत्र प्रदीप शैली जो फायसागर रोड का निवासी है, यह रामकिशन आश्रम आदर्श नगर का निवासी है। उसने थाना आजा पे अभी एक रिपोर्ट पेश की है कि उसका ससुराल फायसागर रोड पे है। वहाँ पड़ोस में योगेश उर्फ बिट्टू और सोनू यादव उसके पड़ोस में रहते हैं ससुराल पक्ष से, जिनसे उनका कोई झगड़ा हुआ था जो गंज थाना में उनके आपस में क्रॉस में मुकदमे हुए थे। आज शाम को उस सोनू यादव ने इनको बस स्टैंड बुलाया अभी रात को, और इनका यह कहना है कि साहब उस पर उन्होंने दो फायर कर दिए। किसी के व्यक्ति के लगी नहीं, लेकिन इनका ये कहना है उसने आपस में झगड़ा करके हमारे पे दो फायर कर दिए। इस पर अभी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे अनुसंधान किया जाएगा। कितने लोगों का होना बताया जा रहा है? इसने दो नाम बताए हैं अभी तक, योगेश यादव और सुशील यादव, और उनके साथ उसके साथी थे, ये दो लोगों को जानता है जिनका नाम बताया। बच्चे की बातों को लेकर झगड़ा हुआ था ये गंज थाना पे, इनका आपस में कहना है हमारा क्रॉस में मुकदमा दर्ज हुआ। रिपोर्ट लेकर आए हैं, अब हम निरीक्षण भी करेंगे, सब चीज़ें करेंगे। नहीं अभी तक ऐसा कुछ नहीं, अभी तक ये रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसमें मुकदमा दर्ज करके अब तफ्तीश चालू करेंगे। किसी की कोई चोट वगैरह नहीं? अभी इन पर चोट किसी की नहीं आई। मुकदमा दर्ज हो गया, इन्होंने रिपोर्ट दी है, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। हाँ भैया, किस तरह की घटना हुई आपके साथ, किसने फायरिंग करी है? कल रात को मेरे ससुराल पक्ष में कोई मामूली कहासुनी हो गई थी। ये मेरे जिन्होंने फायरिंग की है मेरे ससुराल के पड़ोसी हैं, तो कोई गाड़ी पे स्क्रैच को लेके मामूली कहासुनी हो गई, तो उसकी FIR दोनों पक्षों के द्वारा गंज थाने में कल रजिस्टर हो गई थी। आज कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जो सोनू यादव और बिट्टू यादव हैं, इनका फ़ोन आया कि बस स्टैंड आ जाओ, पड़ोस का मामला है, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ पर हमारे पे दो राउंड फायर किए। घायल हुआ कोई? नहीं, गनीमत रही किसी के नहीं, चोट किसी के नहीं आई है। क्या करते हैं? एक जयपुर में नौकरी करता है, एक का ब्याज भट्टे का काम है, छोटा मोटा काम करता है, नरसिंहपुरा निवासी है। कोई गाड़ी पे स्क्रैचेस को लेके मामूली कहासुनी हुई थी दोनों पक्षों में, मेरे ससुराल पक्ष में और इन दोनों में, दोनों भाइयों में। आपका नाम बताइए? यशोवर्धन। आपने